हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग एक और नए कंटेंट के साथ आप सबके सामने आ गए हैं। तो अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ ये है मंडी। तो यार अभी हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ पे बहुत ही पुराने मंदिर है, शिव मंदिर है यहाँ पे बना हुआ, जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया है। और पुल भी बहुत पुराना पुल है, एक तो नया पुल बना है और एक बहुत पुराना पुल है। हम लोग उस पुराने पुल होके जाएंगे शिव मंदिर। तो वो जो शिव मंदिर है वो एक्चुअल में पांडवों ने बनाया, उसको हमारे लैंग्वेज में शैल बोलते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ठीक है, बने रहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि ये पुल जो है ये 1877 ईस्वी में बना हुआ है। और आप लोग ये देख सकते हो यार, इसकी ये पकड़ जो है ये बहुत ही मजबूत है। और ये जो पुल है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है 1877 ईस्वी में। आप लोग इस पुल को देखिए, वाओ, जस्ट ऑसम प्लेस गाइस। इसी पुल के साथ लगती देखिए ये नदी, आपको दिख रही होगी। और ये जो सामने ये नया पुल है, बट जो पुराना वाला है ये पुराना पुल ये 1877 ईस्वी में बना हुआ है। तो दोस्तों इसका नाम विक्टोरिया पुल है। ये पुल शहर का पहला पुल है जो पुरानी मंडी और मंडी शहर को जोड़ता है। इसे मंडी के राजा विजय सिंह सेन ने 1877 में अंग्रेजों की मदद से बनवाया था। दोस्तों यहाँ पे हर जगह जो है मंदिर ही मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। तो अभी हम डायरेक्ट आपको ले जा रहे हैं शिव मंदिर। उस पुल के बाद ये वाला पुल क्रॉस करना है, देन आएगा शिव मंदिर। तो बने रहिए व्लॉग में। ये रहा मंदिर यहाँ पे, और ये जो है भाई पांडवों ने बनाया है सारे मंदिर, पांडवों के टाइम के मंदिर है। तो दोस्तों ये है पंचवक्त्र मंदिर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुकेती और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित पंचवक्त्र मंदिर बहुत ही सुंदर है। पंचवक्त्र मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक सर्वोच्च मंदिर है। मंदिर ठेठ शिखर वास्तुकला शैली में बनाया गया है, जो आश्चर्यजनक लगता है। मंदिर का नाम भगवान शिव की पांच मुखी प्रतिमा के नाम पर पड़ा है, जिनमें से केवल तीन को ही सामने से देखने पर देखा जा सकता है। यह संरक्षित स्मारकों में से एक है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है और इसे राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। पंचवक्त्र मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति में पांच चेहरे हैं जो भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों को दर्शाते हैं, अघोरा, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और रुद्रा। अघोरा विनाशकारी प्रकृति है, ईशान सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, तत्पुरुष उसका अहंकार है, वामदेव स्त्री पहलू है और रुद्र उसका रचनात्मक और विनाशकारी पहलू है। पंचवक्त्र को इन सभी के मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये देखिए हमारे नंदी महाराज, ये भी पूरा पत्थर से बनाया गया है। यू कैन सी हियर, सुंदर नक्काशी की गई है पत्थर के ऊपर। तो देखिए दरवाजे पे यहाँ पे बने हुए हैं द्वारपाल, जो कि दरवाजे पे खड़े रहते हैं। एक साइड ये है, दूसरी साइड भी यही द्वारपाल है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। और बाकी आप लोग देख ही सकते हो कितना पुरानी जगह है। और हाँ दोस्तों, पंचवक्त्र मंदिर की स्थापना तिथि अभी भी अज्ञात है।
मंदिर का मुख्य बरामदा चार सूक्ष्म नकाशीदार स्तंभों द्वारा समर्थित है। यह एक शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ एक मौन ध्यान लोगों को अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है और उनकी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। पंचवक्त मंदिर निस्संदेह हमारी प्रतिष्ठित विरासत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस पंचवक्त मंदिर के सामने एक और मंदिर है, तो ये भी खुद में एक रहस्य की बात है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि ये जो मंदिर है ये पंचवक्त महादेव जी का मंदिर है जो कि मंडी में है, और ये जो मंदिर है ये पांडवों द्वारा बनाया गया है बहुत साल पहले, मुझे नहीं पता किस साल में बनाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है। और जो ये मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। जिस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मंदिर कितना पुराना होगा। तो यहाँ पे जितनी भी जगह है, मतलब जिस जगह पे मैं हूँ इधर हर जगह मंदिर ही मंदिर है। तो मैंने आपको सबसे पुराना मंदिर ये वाला दिखाया, और एक मंदिर ठीक मेरे पीछे वहाँ पे भी है। ठीक है, तो अभी आपको बाकी मंदिर दिखाते हैं चलते चलते। यहाँ पे देखिए ये भी मंदिर है, और इसके बाद आगे एक और मंदिर है। तो यहाँ पे एक और मंदिर है, और यहाँ पे एक मंदिर तो हर जगह है, लेकिन मंदिरों में हर जगह आपको नंदी महाराज देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो मंदिर है ये है पंचदेव जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेंगे। ये है मंडी छोटी काशी। गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।